हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और आज हम लोग जैसे कि यहाँ से द्वारका देश से निकल रहे हैं सीधा बड़ौदा की तरफ. आज का हमारा यही प्लान है क्योंकि हम वहाँ पर देखने वाले हैं आज के दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी. गाइज, आज न्यू डे है, न्यू मॉर्निंग है, न्यू व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज के दिन से. तो यहाँ आप मेरे साथ में एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि हम जहाँ है वहाँ से आई थिंक 10 से 12 घंटे का हमें ट्रैवल पूरे दिन में करना है. तो जब से आए हैं बस रुके कहीं नहीं है हम लोग, ट्रैवल 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 करे जा रहे हैं. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ अपने साथ में होल लाइफ के लिए. बहुत सारी मेमोरीज लेके जा रही हूँ. अभी बज रहे हैं जैसे कि 4, फटाफट से हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी सुबह उठ के ना जाना पड़ रहा है हम लोगों को. तो फटाफट से हमारा पैकिंग वगैरह यहाँ पर हो चुका है, हम सब लोग निकल पड़ेंगे. बने रहिए आज के इस व्लॉग में और व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं नज़ारा, बिल्कुल ही भूतिया सा लग रहा है, हॉन्टेड सा, क्योंकि अभी कोई नहीं उठा होगा, सब सो रहे होंगे और इस टाइम पे हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं. गुमनाम है कोई, ये देखो आ गई हमारी एक सुंदर सी चुड़ैल, आप देख सकते हैं यहाँ पर. Years later. जैसे कि हम लोग सुबह के 4-4:30 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से द्वारकाधीश से, और हम लोगों का प्लान था कि सीधा राजकोट में जाके हम लोग थोड़ा हॉल्ट करेंगे, बट राजकोट भी पार कर चुके हैं इस वक्त. एंड फाइनली अब हम रुके हैं जो लाइन होटल होते हैं वहाँ पर, ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में. तो अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं नाश्ता पानी, मतलब ब्रेकफास्ट. हेलो गाइस, हेलो, से हेलो ऑल ऑफ यू. और हमारे बाकी टीम मेंबर्स पीछे भी हैं कुछ. सर हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? सरदार सरोवर जगह, प्लेस प्लेस केवरिया कॉलोनी, कॉलोनी केवरिया कॉलोनी सरोवर, मुझे बस इतना ही आइडिया हुआ जहाँ जा रहे हैं. 550 किलोमीटर है द्वारकाधीश से. हम लोग बहुत मस्ती में अपना ये जो है ना, मतलब सफर बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि नाश्ते गाते हुए हम अपनी गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. इसी में ही सफर का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है. तो आप लोग भी बने रहिए हमारे वीडियो में और एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को, एंड तक जरूर देखना वीडियो. सो गाइस देखिए, इस इंसान से बड़ा तो ये डोसा है. अपने से बड़े साइज का डोसा ही आदमी खा रहे. यहाँ पर भी हमारा जो है उत्तरी, इतना सारा चीजी चीजी सैंडविच आप देख सकते हैं. ये मैंने ऑर्डर करा था चीज सैंडविच आज, है वेज मैगी पाव भाजी. हाँ जी, ऑनेस्ट जो भी है लाइन होटल में, जो कि आपको पड़ेगा राज, मतलब ऑल ओवर गुजरात में इनका जो है ना बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है, बहुत सारे आउटलेट्स है, और लाइन होटल में आपको मिल जाएगा सारे ऑनेस्ट वाले के ना खाना. एंड टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, तो मैं इसलिए इसको रिव्यू कर रही हूँ और वीडियो में दिखा रही हूँ. हाईवे से अगर आना जाना कर रहे हैं तो आप इसको मस्ट ट्राई, इस इनका खाना ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया है इनका. Rinkiya ke papa hi hasne le, Rinkiya ke papa hi hasne le, Rinkiya ke papa hi hasne le.
हंस दे ले ही हंस दे रिंकिया के पापा ही हंस दे रिंकिया के पापा ही हंस दे the statue of unity. Are you guys excited? Nice. Yes. No. Are you guys excited? Yes. Radhe. गाइस, जैसे कि हम एंट्री कर चुके हैं और हमारी लाइन बिल्कुल अलग डिफरेंट बनी थी. क्यों? क्योंकि हमारी थी वीआईपी एंट्री. आई थिंक हमारे लिए वीआईपी पासेस का अरेंज किया गया था, तो वीआईपी एंट्री हमने किया. और पता नहीं इस वीआईपी एंट्री में क्या हमें एक्स्ट्रा और मिलने वाला है, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. अभी धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ में भी शेयर करूँगी. बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग है, बहुत सारी जगह टिकट चेक होता है. धीरे धीरे करके हम इतना पहुंच चुके हैं. सो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पूरे एरिया के जस्ट साइड में ये नर्मदा रिवर कावेरिया सरदार सरोवर डैम का व्यू देखने को मिलता है इस तरीके से. फाइनली करीब आ गए हैं हम लोग. अब हम आ गए हैं इसके अंदर. आई थिंक कुछ म्यूजियम है यहाँ पर. अब हम जा रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर. मतलब कि लिफ्ट बाय लिफ्ट हम जा रहे हैं. अब ये लाइन है, ये ऊपर जाने का यहाँ से है. सो गाइज, हम 45 फ्लोर पे पहुँच भी गए और जैसे ही लिफ्ट ऊपर आ रही थी ना, और इतनी हाइट पे जैसे कि हम लोग हैं, आई थिंक 400 फिट बोला था ना, 400 फिट, तो कान भी बंद हो गए थे. एक सेकंड के लिए कान भी बंद हो गया था. ऊपर से पूरा नज़ारा ऐसा दिखता है, नर्मदा रिवर एंड सरदार सरोवर डैम आपको दिखेगा. जाली बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर. साथ में पहाड़ों का भी नज़ारा देखने को मिलता है ऊपर से. हम हैं 45th फ्लोर पे, उनके चेस्ट के लेवल पे हम लोग आ गए हैं. 400 फिट ऊपर है हम लोग. और व्यू आपने देख ही लिया है किस तरीके का व्यू यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा. अभी हम उसी पुल से चलते चलते आए हैं और मैं बिल्कुल उस तरफ जा नहीं पा रही हूँ. लोग देख सकते हैं आप, चीटी मगोड़ों की तरह दिख रहे हैं यहाँ से. ये पूरा स्टैचू का फ्रेम है, ठीक है. और बाहर का जो दिखता है वो ब्लैक वाला आप देख सकते हैं. और ये खाली चेस्ट तक ही लिफ्ट बना हुआ है, सर वाले पोर्शन पे लिफ्ट नहीं है. और तो ये आ ही नहीं रहा है ऊपर का, बस यहीं तक ही आ रहा है. जो दोनों पैर है, इन दोनों पैर में ही लिफ्ट बना हुआ है जहाँ से हम ऊपर गए थे.
बाकी हम यहाँ पर अभी लगे हैं, काफ़ी देर से फोटो सेशन वगैरह कर रहे हैं और कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। व्यू यहाँ का ये काफ़ी देर से आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, ये वाला व्यू। यहाँ से भी कुछ इस तरीके का व्यू आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। शहर में ना ये चिड़िया देखने को नहीं मिलता, देखिए आप, हमें यहाँ पर दिख रहा है स्पैरो। स्पैरो ही है ना ये? हाँ, ओहो उड़ गया। छोड़ो ही पक्षी, देखो छोड़ो ही पक्षी। बंगाली में इसको बोलते हैं छोड़ो ही पक्षी। टुड़ुक 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 टुड़ुक। गाइज यहाँ गुजरात में मुझे यहाँ देखने को मिला पिंक कलर का ऑटो, और यहाँ पर जो ड्राइवर्स है वो फीमेल ड्राइवर्स होती है, लड़कियाँ लेडीज यहाँ पर ये ऑटो चलाती हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। गाइज यहाँ पर अब स्टार्ट हुआ है शाम को लाइटिंग शो। लीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले चौथे भारतीय थे। डर कर कांपने लगे। 1920 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। हम यहाँ पर आ गए हैं मेज गार्डन में। यहाँ है भूल भुलैया, तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। मेज गार्डन की टाइमिंग मॉर्निंग से इवनिंग तक का है, हम अंदर नहीं जा पाए थे, अंदर बहुत बड़ा भूल भुलैया है। हम वहाँ पहुँचे थे रात में, सो हमने ये मिस किया, बट कोई बात नहीं, साथ में ग्लो गार्डन भी है, वो आप देखेंगे आगे। गार्डन का नाम क्या था? लाइट वाला गार्डन है गाइस, ये लाइट वाला गार्डन एग्जैक्टली मुझे अभी भी नहीं पता चला। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं बस कोई ड्रीम देख रही हूँ, कोई सपना देख रही हूँ। बाहर से पहले आप इसका व्यू देख लीजिए, अभी इसके अंदर हम जाने वाले हैं। सो गाइस ये किसी सपने से कम नहीं है बिल्कुल भी, इतना सुंदर बनाया गया है, एकदम ड्रीम। इंडिया यूनिटी ग्लो गार्डन है ये। सो इसका नाम है यूनिटी ग्लो गार्डन। कितना इंटरेस्टिंग चीज है इस गार्डन में हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो चेंज हो जाएगा ऐसे, ये वाला चेंज नहीं हुआ। ये वाओ, ये हंसना मेरा काम, हंसाना मेरा काम, हंसना मेरा काम, हंसाना मेरा काम, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो जी, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो जी। यहाँ ना कोई भी नहीं आता, अलाउ नहीं है। जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं यहाँ पर सिर्फ मोदी जी आते हैं और यहाँ कोई नहीं आते हैं। वीआईपी इलाका है ये।
और यहाँ बना है इंडिया का मैप बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के आगे। वो वहाँ से देख रहे हैं पूरे इंडिया पर अपने दृष्टि से ही सुरक्षा कर रहे हैं। सो गाइस, हालत हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब इतना घूमने के बाद। अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास। अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और जहाँ पर हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी में जहाँ गए थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट जगह थी। हमें वापस अहमदाबाद के लिए जाना है क्योंकि कल है हम लोगों को वापस जाना है दिल्ली के लिए, और कल हमें वहाँ से अहमदाबाद से हमें एयरपोर्ट जाना है। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं। हालत देखो भाई, मोंजुली का बन गई हूँ मैं पूरी। आमी मोंजुली का इतनी रात में व्लॉगिंग। गाइस रात के ना 2 बजे होंगे शायद। इसको अपमान कर रहे हो? नहीं, आमी मोंजुली मेरे को डरा दिया। उधर दिखाओ होटल द रॉयल इंडिया। मेरी डरती यार, ये बड़ा अच्छा जगह है। कहाँ पर हम लोग रुके हैं? ये चाहिए होटल है पूरा, उसका रेस्टोरेंट होगा ना। काश हमें अभी यहाँ पर ना रूम मिल जाता और मैं अभी के अभी यहाँ सो जाती। मैं गाड़ी में पूरे रास्ते सोते सोते आई। सो गाइस, इतने दिनों तक उल्टा सीधा खा खा के हमारे पेट बिल्कुल सड़ चुका है। तो आज मैंने मंगाया है अपने लिए भात, भिंडी की सब्जी, रोटी, वो भी तवा वाली। इतने दिनों से हम उल्टा सीधा खा रहे थे और बिल्कुल पीली वाली दाल। वैसे तो हम ये भी खाना खा रहे हैं, सादा खाना, बट स्टिल हम उल्टा सीधा भी खा ही लेते हैं।